हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं अपना चैनल टेकमैन सुरेश। यह है दोस्तों अशोक लेलैंड का बॉस 1915 मॉडल। इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को इसका डिटेल स्पेसिफिकेशन और इसके कुछ हाइलाइट फीचर्स के बारे में बताऊंगा, इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसका ओवरऑल लुक्स और डिजाइन के बारे में। दोस्तों अशोक लेलैंड की इसमें जैसा लुक्स और डिजाइन रहता है, इसका लुक्स और डिजाइन भी आपको सेम मिलता है। लुक्स और डिजाइन दोस्तों इसका बहुत ही अट्रैक्टिव है और ये बहुत ही आई कैची भी है। और इसका शेप थोड़ा दोस्तों आपको थोड़ा डिफरेंट लगेगा, और क्योंकि दोस्तों डिजाइन ही ऐसा रहता है, इस वजह से इसका लुक्स और डिजाइन आपको देखने में थोड़ा यूनिक लगेगा। बात करें दोस्तों इसका फ्रंट फेसिया के बारे में, तो इसमें आपको यहाँ पर अशोक लेलैंड का लोगो विथ अशोक लेलैंड का बैजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और लाइट्स की बात करें तो इसमें आपको बिग साइज हॉरिजॉन्टल टाइप हेडलैम्प्स और यहाँ पर है मल्टी फंक्शनल टर्न इंडिकेटर्स। यहाँ पर आपको प्री इंस्टॉल फॉग लैम्प भी प्रोवाइड किया गया है, और नीचे आपको यहाँ पर रिफ्लेक्टर्स भी आप दे सकते हैं, और उसके नीचे आपको स्टिकरिंग में भी आपको इसमें रिफ्लेक्टर्स प्रोवाइड किया गया है। और उसके साथ आगे इसमें आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का फ्रंट बम्पर भी आप इसमें दे सकते हैं। टायर्स की दोस्तों बात करें तो इसमें आपको 20 इंच का टायर लगा हुआ देखने को मिलता है, जिसका साइज है 295/90 R20 टायर्स। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट और रियर दोनों में आपको इसमें पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग के साथ सिमिलिटी का लीफ स्प्रिंग आपको इसमें प्रोवाइड किया गया है। साइड में आपको यहाँ पर 1915 HP का आपको यहाँ पर बैजिंग मिलता है, उसके साथ यहाँ पर आपको बॉल टाइप टर्न इंडिकेटर्स भी आप इसमें दे सकते हैं। और ड्राइवर केबिन में चढ़ने के लिए इसमें आपको 2 स्टे भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। और बात करें दोस्तों इसका टैंक के बारे में, तो इसमें आपको 185 लीटर का डीजल टैंक और 24 लीटर का आरब्लू टैंक आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। मगर दोस्तों आप चाहे तो इसमें 355 लीटर का डीजल टैंक भी ले सकते हैं, जो कि दोस्तों ऑप्शनल में आता है। बात करें दोस्तों इसका ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में, इसका ग्रॉस व्हीकल वेट है 18,500 kg या फिर समझ सकते हैं 18.5 टन। मगर दोस्तों इसका पेलोड कैपेसिटी हो जाता है लगभग 11 टन से लेकर 12 टन तक। और इसका कार्गो डेक का डायमेंशन की बात करें तो इसका कार्गो डेक का लंबाई है 22 फीट, चौड़ाई है दोस्तों 7 फीट 7 इंच। जिसमें दोस्तों आपको बड़ा कार्गो डेक का ज़रूरत है, यदि आप उसके लिए कोई अच्छा गाड़ी को ढूंढ रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यह है दोस्तों इसका रियर का व्यू। पीछे आपको फुली LED टेल लाइट्स आप इसमें देख सकते हैं। उसके साथ सेफ्टी के लिए पीछे आपको 4 रिवर पार्किंग सेंसर्स भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। और उसके साथ यहाँ पर आपको अशोक लेलैंड का बड़ा सा बैजिंग भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पर है दोस्तों हिंदुजा ग्रुप का बैजिंग, क्योंकि दोस्तों अशोक लेलैंड हिंदुजा ग्रुप के अंडर में रहता है। और उसके साथ इसमें आपको काफ़ी अच्छा क्वालिटी का पीछे भी आपको रियर बम्पर आप इसमें दे सकते हैं। चलिए दोस्तों इसका इंटीरियर को देखते हैं। तो डोर के अंदर जाने के लिए आपको यहाँ पर 2 फुटस्टेप प्रोवाइड किया गया है, और उसके साथ यहाँ पर इसका टायर प्रेशर के बारे में एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और उसके साथ यहाँ पर आपको इसका स्पीकर्स भी आप दे सकते हैं। सीट क्वालिटी दोस्तों इसमें आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। और दोस्तों गाड़ी में चढ़ने के लिए इसमें दोनों साइड में आपको ग्रैब हैंडल्स भी आपको प्रोवाइड किया गया है। और यह दोस्तों इसका ड्राइवर सीट। सीट क्वालिटी दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा है। सीट को आप अपने कंफर्ट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पर इसका कंट्रोल्स प्रोवाइड किया गया है। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ट्रक में नीचे इसका लिफ्ट करने के लिए कंट्रोल्स रहता है, मगर आपको इसमें यहाँ पर इसका कंट्रोल्स दिया गया है, इस वजह से आप इसको आराम से इसको स्लाइड भी कर सकते हैं। ड्राइवर साइड लेगरूम इसका बहुत ही स्पेशियस है, और स्टेयरिंग व्हील का पोजीशनिंग है वो थाई के ऊपर भी आपको इसमें काफ़ी अच्छा मिलता है। इसमें आपको मिलता है इंटीग्रेटेड पावर स्टेयरिंग विथ, इसमें आपको सेमी एनालॉग विथ डिजिटल कॉम्बिनेशन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको 4x स्विच, उसके साथ इसमें और कुछ कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसमें आपको मिलता है सेमी एनालॉग विथ डिजिटल कॉम्बिनेशन का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, आपको मिलता है इंटीग्रेटेड पावर स्टेयरिंग, बीच में आपको अशोक लेलैंड का लोगो भी आप इसमें देख सकते हैं। और यहाँ पर इसका ब्लोअर्स का कंट्रोल भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और इसमें आपको बहुत सारे दोस्तों आपको इसमें कूलिंग वेंट्स देखने को मिल जाता है, और उसके साथ यहाँ पर लकबर ग्लोव बॉक्स भी आप इसमें देख सकते हैं। और इसमें बहुत सारे स्टोरेज ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको मोबाइल चार्ज करने के लिए मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है। इसका दोस्तों ट्रांसमिशन है 6 स्पीड, इसमें आपको मिलता है 6 फॉरवर्ड और 1 रिवर्स गियर। और दोस्तों यह है इसका को पायलट साइड का सीट। इसमें दोस्तों ड्राइवर के साथ यहाँ पर 2 पर्सन आराम से जा सकते हैं, और को पायलट साइड में भी आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट प्रोवाइड किया गया है, यहाँ पर 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं। और इस कुशन का क्वालिटी भी दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छा है। और रात में अच्छा विजिबिलिटी पाने के लिए आपको यहाँ पर LED रीडिंग लाइट्स भी आप इसमें देख सकते हैं, और यहाँ पर ऊपर आप इसमें प्री इंस्टॉल ब्लूटूथ भी देख सकते हैं। आप चाहे तो इसको यहाँ पर कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और उसके साथ ऊपर आप यहाँ पर कुछ सामान भी आराम से रख सकते हैं।
ऊपर भी आपको स्टोरेज ऑप्शन प्रोवाइड किया गया है। इसमें दोस्तों सिर्फ ड्राइवर साइड में ही इसका सन वाइजर आपको इसमें देखने को मिलता है, को पायलट साइड में आपको यहाँ पर सन वाइजर नहीं मिलता है। ओवरऑल दोस्तों मैं यदि आपको बताऊँ तो ड्राइवर केबिन बहुत ही कंफर्टेबल है। हमारा अगला पॉइंट है इसका इंजन के बारे में। इसमें लगा हुआ है अशोक लेलैंड का एस सीरीज 4 सिलेंडर वाला BS6 सेकेंड जनरेशन डीजल इंजन, जो कि 150 HP का पावर और 450 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। और माइलेज की बात करें तो इसका एवरेज माइलेज रहेगा 7 से 8 किलोमीटर पर लीटर, मगर ये वैरी करता है आपकी ड्राइविंग और रोड की कंडीशन के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है इसका प्राइसिंग के बारे में। इसका बेस मॉडल का प्राइसिंग शुरू हो जाता है 22 लाख रुपीज से। दोस्तों आपको अशोक लेलैंड का बॉस 1915 HP मॉडल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। यदि आपका इस ट्रक के रिलेटेड कुछ डाउट है या फिर कुछ सुझाव है तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों आपके साथ एक नए वीडियो के साथ। वीडियो के आखिर तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।